मतलब यहाँ पर पाकिस्तान के लोग खड़े हैं और वहां पर इंडिया के लोग खड़े हुए हैं। सिर्फ व्यू चेक करें आप यार, जा रहे हैं अपनी जगह बनाने चरपाई की तरफ किसी। ये यहाँ पर सीन चेक करें। अस्सलाम वालेकुम। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आज मैं अकेला एज अ सोलो ट्रैवलर आज़ाद कश्मीर आया हुआ हूँ। इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर को घूमेंगे, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। इरादा तो मेरा था कि आज ही मैं व्लॉग बनाऊंगा और पूरा मुजफ्फराबाद और सारा वहाँ का रास्ता भी दिखाऊंगा, लेकिन कल रात से मैं सफ़र में था। आज तकरीबन 7 बजे हम मियांवाली से निकले थे और यहाँ पर आज़ाद कश्मीर में किरण वैली के अंदर हम लोग तकरीबन 10 बजे पहुँचे और काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। तो रास्ते में मैंने कोई वीडियोज़ वगैरह नहीं बनाई, हालांकि खूबसूरत रास्ता था काफ़ी ज़्यादा, वहाँ के मैं व्लॉग नहीं बना सका। तो इंशाल्लाह कल सुबह उठेंगे और फिर एक्सप्लोर करेंगे आज़ाद कश्मीर। और मौसम का ये सीन है कि जून की सख्त गर्मियों में भी हम यहाँ पर रज़ाई लेके सो रहे हैं रात को। अस्सलामुअलैकुम। अब तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आज हमने नाइट स्टे कर लिया किरान के अंदर और बाहर जीप्स वगैरह रेडी हैं। जितने हमारे साथ लोग आए हुए थे वो सब बाहर पहुँचे हुए हैं। हम थोड़ा सा लेट हो गए, आप जल्दी कर रहे हैं, थोड़ा सा बस तैयार हो रहे थे, न्यू आउटफिट चेंज कर लिए जो करना था, नाश्ता वगैरह भी हमने कर लिया और अब निकलते हैं बाहर। आपको एक हॉस्टल की लोकेशन भी दिखाते हैं। तो ये है हमारे हॉस्टल के रिसेप्शन, ये रूम। हम केरान वैली में आए हुए हैं, आज नाइट स्टे कैसर लॉज में की थी हमने। इसके बाद ये सीन है होटल के बाहर का। अच्छा, तो ये बाबून वैली की तरफ जा रहे थे और यहाँ पर एक पॉइंट है काका शान, पता नहीं कौन सा पॉइंट है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है यार। इधर आपको दिखाते हैं थोड़ा सा सीन यहाँ के। चारों तरफ से इधर पहाड़ियों ने घेरा हुआ है, माशाल्लाह ऊपर बादल वगैरह आप देख लें। जब आप कश्मीर को पहली नज़र में देखते हैं ना, आपके यार महसूस हो जाता है कि क्यों इसको जन्नत का टुकड़ा करार दिया जाता है, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर हैं सवात की कसम से याद ताज़ा हो गई है, लेकिन सवात भी इतना खूबसूरत नहीं था जितना ये आज़ाद कश्मीर। चारों तरफ से पहाड़ियाँ हैं और दरमियान में बादल, साथ सूरज भी नज़र आ रहा है हल्का फुल्का। थोड़ी देर के लिए सूरज आ जाता है, फिर उसके सामने बादल आ जाते हैं जिसकी वजह से छांव पड़ जाती है, नहीं तो धूप आ जाती है। और जुलाई का गर्म तरीन महीना है और यहाँ पर हम डबल डबल चीज़ें पहन कर आए हुए हैं कि सर्दी ना लगे। और ठंडा याफ पानी है यहाँ पर, डायरेक्ट ग्लेशियर से पिघल कर आ रहे हैं। आपको सामने ग्लेशियर भी दिखाएंगे, इस पॉइंट से भी ग्लेशियर हमें नहीं नज़र आ रहे। और यहाँ पर अभी हमारी ये सारी जीपें रुकी हुई हैं, ये 1, 2, 3, 4 और वो 5, 6, 2 और भी आई हुई हैं, ये सब जीपें रुकी हुई हैं। अभी यहाँ पर रुके हुए हैं लड़के सारे और अंकल वगैरह जितने भी थे, यहाँ पर अभी थोड़ा सा व्यू एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद आगे दोबारा रवाना होते हैं और जौन सा यहाँ का मेन पॉइंट है वहाँ पर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो आप पहुँच चुके हैं बाबून वैली, यार नहायत ही खूबसूरत मंजर है यहाँ पे। एक दफ़ा यहाँ की खूबसूरती सिर्फ आप एक बार चेक करें, माशाल्लाह सफ़ेद चादरें पड़ी हुई हैं पहाड़ों के ऊपर। यार कोई मानेगा कि इस वक्त जून जुलाई की सख्त गर्मी वाले दिन है और यहाँ पर माशाल्लाह यार
इतनी ग्लेशियर पूरे यहाँ से नज़र आ रहे हैं, और दूसरा ये पानी डायरेक्ट ग्लेशियर से आ रहा है नीचे जो ये वाला है, और बिल्कुल ठंडा बर्फ़ की तरह पानी है, बहुत ही मीठा पानी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको आबशारें वगैरह मिलेंगी। तो अभी हम मस्जिद में नमाज़ भी पढ़ते हैं, वज़ू करते हैं यहाँ पे, और फिर आपको आगे का थोड़ा सा मंजर दिखाते हैं। अभी कह रहे हैं कि ये लोग, हमने वैसे जाना था बर्फ़ वाली साइड पे ना, तो इनका कहना तो यही है कि बर्फ़ वाली साइड फ़िलहाल बंद हुई हुई है क्योंकि रस्ते वहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, यहाँ पर रस्तों का बहुत ज़्यादा मसला है। अभी मैंने आपको थोड़ा सा पीछे वीडियोज़ वगैरह भी दिखाई होंगी, क्योंकि गाड़ी चलाना वहाँ पर ना बहुत ही मुश्किल काम है। यार यकीन करें, इधर ठंडे पानी से मैंने हाथ धोए और मुंह धोया ना यार, मज़ा आ गया सच में। इतना ठंडा पानी है कि बंदा आधे मिनट से भी ज़्यादा ना अंदर पानी के अंदर हाथ नहीं रख सकता, बहुत मुश्किल है, लाल हो गए हैं हाथ, हल्का सा अंदर पानी के अंदर हाथ डाला है। पर मैं तुम्हें मज़ा आ रहा है यहाँ पे कैसे जगह इंजॉय कर रही हो, कश्मीर आके किस तरह लग रहे हैं? शर्मा के बेटा, शर्माने की क्या बात है इसमें, मतलब अच्छा तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि हमने रात को जो नाइट स्टे किया था ना, वो हमने किया था लोअर नीलम में। तो लोअर नीलम में मुझे कल तो नहीं पता था, और सुबह भी हम यहाँ से रवाना हो गए, मुझे नहीं मालूम था। रास्ते में ड्राइवर ने बताया कि जहाँ पर आपने स्टे किया था ना, आपके सामने जो ये दरिया गुजर रहा था, तो यही दरिया LOC है यहाँ पर। मैं तो बड़ा हैरान हूँ, फिर मुझे पता चला है कि अभी जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं, ये जगह है आज़ाद कश्मीर, और ये दरिया जो है नीलम दरिया नीलम, ये है लाइन ऑफ कंट्रोल, और उस साइड पे है मकबूज़ा कश्मीर। मतलब यहाँ पर पाकिस्तान के लोग खड़े हैं और वहाँ पर इंडिया के लोग खड़े हुए हैं। ये यहाँ पर हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, और मेन पॉइंट LOC का देखने के लिए एक और जीप बुक करवाई है, और हल्की हल्की बारिश में अब जा रहे हैं मेन LOC का पॉइंट देखने। ये यहाँ पर हमने जीप रुकवाई है, केरन का इलाका है, और ये है मेन LOC, हमें तो पता नहीं था। और यहाँ के जो हमारे मैनेजर थे ना, तो उन्होंने हमें बताया कि ये एक पॉइंट है, यहाँ पर आप लाजमी जाएँ, अब हम वहीं पर आए हुए हैं। अच्छा तो यहाँ पर बारिश हो रही है, अब ये मेन LOC का पॉइंट, अगर आप यहाँ पर आते हैं ना, तो ये जगह बिल्कुल भी मिस ना करें आप। मतलब केरन शहर के अंदर जिस तरह इधर से इंटर होंगे, तो आपने यहाँ पर कहना है कि केरन का गेस्ट हाउस कहाँ पर है, जहाँ से हमें LOC नज़र आ जाए, और ये फिर LOC पॉइंट है। अभी तो बारिश हो रही है, वो मज़ा नहीं है, लेकिन आपको वैसे अगर आएंगे तो बड़ा खूबसूरत यहाँ पर सीन होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कश्मीरी आवाम पाकिस्तान के आन, दरमियान में यही वही LOC नीलम दरिया नीलम है, और इसके साथ ये है इंडिया, और ये इधर इंडिया का परचम लगा हुआ है। अभी बारिश चल रही है और हवा तो है खैर, लेकिन परचम गीला हुआ हुआ तो लहरा रहा नहीं है, इस वजह से सही से नज़र नहीं आ रहा। ये वाली है गेस्ट हाउस की मेन एंट्रेंस। बाद असर की नमाज़ का टाइम ख़त्म होने वाला था, तो हमने यहाँ के गेस्ट हाउस के रिसेप्शन से पता किया, अगर कुछ जयनमाज़ वगैरह मिलती है तो यहीं पर ही नमाज़ पढ़ लेते हैं। अब जयनमाज़ ले लिए, वज़ू करते हैं, इसके बाद अपनी नमाज शुरू करते हैं यहाँ पर। हाँ भाई, तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आज हमें दूसरा दिन है यहाँ पर आए हुए, और हमने कल काफ़ी ज़्यादा पॉइंट, अच्छे पॉइंट विज़िट किए। बबून वैली भी था, अपर नीलम भी था, लोअर नीलम भी था, और LOC तक गए थे हम लोग। लेकिन कुछ पॉइंट थे जो हमसे पहले मिस हो गए थे हम जब यहाँ पर आ रहे थे ना, तो आज हमारी वापसी, और हम इंशाल्लाह इस चीज़ का हमने इरादा किया हुआ है, हमारी मैनेजमेंट वाले कह रहे हैं कि जब वापसी करेंगे तो उन सब पिकनिक पॉइंट पर रुकेंगे, तो आज इंशाल्लाह उन्हें कवर करते हैं और फिर पहुँच जाएंगे घर हम। अच्छा तो ये रहा हमारा हॉस्टल, और बसेस वगैरह हमारी दोनों तैयार हो गई हैं, सामान वगैरह अंदर रख रहे हैं बसेस के अंदर, और फिर यहाँ से निकलते हैं हम लोग रवाना होते हैं। नाश्ता करने के लिए यहाँ पर हमने बसें रोक दी हैं, इस शहर का नाम पता नहीं क्या है, मुझे याद नहीं। Thank you.
यहाँ पर गाड़ियाँ रुकी थी और ये था हमारा नाश्ते का पॉइंट, और अब दोबारा रवाना हो रहा है। तो ये भी दोनों दोबारा बसें रुक गई हैं, यहाँ पर डैम के व्यू के लिए आए हैं। तकरीबन 5 मिनट यहाँ पर स्टे होगा, फिर वापसी करेंगे। थोड़ी सी देर का हमारा स्टे था और अब दोबारा सब गाड़ियों के अंदर बैठ रहे हैं, हम भी बैठते हैं और रवाना होते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर एक और हमने अब स्टे कर लिया, ये हमारी दोनों गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। और यहाँ पर एक वाटरफॉल है जिसका नाम है दानी वाटरफॉल, बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है, वो अभी आपको दिखाते हैं। अच्छा, तो वाटरफॉल आ गए यार, बहुत ही ठंडा पानी है, मज़ा आ रहा है ये वाटरफॉल का व्यू चेक करें। तो ये है धानी वाटरफॉल, वी आर एट धानी वाटरफॉल, सिर्फ व्यू चेक करें आप यार। धानी वाटरफॉल पे जितना एंजॉय करना था वो कर लिया, गाड़ियां दोबारा तैयार हो गई हैं और इस खूबसूरत मंदिर के साथ हमने भी अपने बूट वगैरह पहन लिए दोबारा, और दोबारा गाड़ी के अंदर बैठने लगे हैं, फिर रवाना होते हैं। तब तक देखते हैं आगे कोई पॉइंट हो तो आगे भी रोकेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़। ये छोटा सा एक और पॉइंट नज़र आ गया था जिसकी वजह से हमारी दोनों बसें दोबारा रुक गई हैं और सब जा रहे हैं अब इस तरफ। यहाँ पर कोई पॉइंट है और मेरे ख्याल से इस ब्रिज का नाम है कोहाला ब्रिज। कोहाला ब्रिज वो वाली जगह है जहाँ से ये हम आज़ाद कश्मीर के अंदर दाखिल होते हैं। ये अब मेन इंट्रेंस, आपको मैंने कुछ शॉर्ट्स वगैरह बनाए थे, आपको शुरू में वीडियो के नज़र आया होगा, लेकिन हम जब जा रहे थे आज़ाद कश्मीर तो तब यहाँ पर स्टे नहीं किया था, अभी जब वापसी कर रहे हैं तब हम यहाँ पे स्टे कर रहे हैं। ये वाला है पॉइंट, यहाँ पे चरपाइयाँ पड़ी हुई हैं पानी के अंदर, और कुछ होटल वगैरह भी वहाँ पर बने हुए हैं। नाइट स्टे का प्रोग्राम हो तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन खाने पीने का सामान भी यहाँ से मिल जाएगा, बाकी नीचे जाके आप खा सकते हैं। यहाँ से हम भी कुछ ख़रीद लेते हैं, कुछ पकौड़े वगैरह, तो यहाँ पर हमने कुछ पकौड़े ले लिए हैं खाने के लिए और अब नीचे जा रहे हैं। अब हमने जूते भी हाथों में रख लिए हैं और जा रहे हैं अपनी जगह बनाने चरपाई की तरफ किसी। ये यहाँ पर सीन चेक करें, तो यहाँ पर हम बैठ चुके हैं। अब एक दफ़ा खूबसूरती आप उस जगह की देखें, बिल्कुल बिल्कुल सामने इसी पॉइंट के ऊपर आपको इधर मस्जिद भी नज़र आ जाएगी अगर आप नमाज़ पढ़ने जाते हैं। हम नमाज़ पढ़ लेते हैं फिर दोबारा यहाँ पर आएंगे, अभी नमाज़ पढ़ने जाते हैं। खाना खाने के लिए दोबारा हमारी गाड़ियाँ रुक चुकी हैं बट कढ़ाई में,